नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदुस्तान की वो बेहतरीन मस्जिदों के बारे में। रमज़ान का पाक महीना है, यह महीना खुदा की इबादत का समय है। इन दिनों में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं, वहीं 5 वक्त की नमाज अदा कर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने में के अंत में ईद का त्यौहार मनाते हैं। इस्लाम में ईद का पर्व सबसे बड़ा और ख़ास त्यौहार होता है। ऐसे में लोग रमज़ान और ईद के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। रमज़ान के महीने में अगर कहीं घूमना चाहते हैं या ईद की नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, तो हम आपको आज बताएंगे हिंदुस्तान की बेहतरीन मस्जिदों के बारे में। देश में कई मस्जिदें हैं जिसकी खूबसूरती की चर्चा विश्व भर में होती है। नंबर 1 पर आता है भोपाल की ताज उल मस्जिद। देश की सबसे बड़ी मस्जिद मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिना जाता है। भोपाल की ताज उल मस्जिद के निर्माण की शुरुआत मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में नवाब सैयद सिद्दीकी हसन खान की पत्नी शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। बाद में मस्जिद को पूरा उनकी बेटी सुल्तान जहान बेगम ने कराया। इस मस्जिद के निर्माण में करीब 141 साल लग गए थे। नंबर 2 पर है दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मस्जिद का असल नाम मस्जिद जहान नुमा है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 56 के बीच कराया था। उस वक्त मस्जिद के निर्माण में तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। लाल पत्थरों और सफेद मार्बल से मस्जिद को तैयार करवाया गया था। नंबर 3 पर है हैदराबाद का मक्का मस्जिद। देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में हैदराबाद मक्का मस्जिद भी शामिल है। इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। इस मस्जिद में एक वक्त में 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का मुख्य हाल 75 फुट ऊंचा है। आगरा का जामा मस्जिद एक बेहतरीन मस्जिद है। मुगल बादशाह शाहजहां ने कई अद्भुत निर्माण कराए। इन्हीं इमारतों में से एक आगरा का जामा मस्जिद है। इस मस्जिद को शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा की याद में बनवाया था। इस मस्जिद को की पश्चिम दीवार की मेहराबे बहुत खूबसूरत है। ये थी देश की सबसे खूबसूरत मस्जिदें। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए।